उसने कहा कि अगर तुम काम पे नहीं लगोगी तो मारेंगे तुम्हें। देखने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। जबरदस्ती हुआ था ये मेरे साथ। जब हम करके मांगना शुरू कर देता है, वहां का आदमी सब चिल्लाता है कि ऐसा काहे करते हैं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। लेकिन जब तक अपना मन इच्छा पूरा नहीं हो जाता है मारने पीटने में, तब तक दरवाजा नहीं खुलता। इस क्रम में जो शिक्षा का बात है, जो हम लोग गांव में जाते थे तो देखते थे कि सुनते थे कि उनकी बेटी जो है चली गई है, आज कई साल से वापस नहीं आई है। तो लगता था क्यों चली गई है, तो मन में एक अजीब तरह का होने लगता था। तो हम लोगों ने उसके विषय में खोजना शुरू किया कि क्या इसके पीछे कारण है, क्यों यहाँ से पलायन करके दूसरे जगह चली जाती हैं, या वो बच्ची भटक के कहाँ चली गई। तो जो वो मूल चीज़ें इसके रूट में समझ में आया, एक तो गरीबी है, दूसरा है कि इन बच्चियों का एक अट्रैक्शन होता है। जब किसी को बाहर को देखते हैं, किसी अच्छे परिवार वाले बच्ची को देखते हैं, तो उन्हें मन में होता है कि हम भी इस तरह से क्यों नहीं हो जा, हमारा भी ड्रेस इस तरह का हो, हमारा खान पान ऐसा हो। तो अट्रैक्शन उसको खींच लाता है। इस बीच में जो लोग होते हैं, जिन्हें कि सो कॉल्ड हम ट्रैफिकर कहते हैं, जो इनको गुमराह करते हैं, उनको सब जबाग दिखलाते हैं कि आपको आपको हम ले चलेंगे, आप यहाँ जाएंगे, आपके रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं होंगी, ये उनको बताता है। तो अट्रैक्शन में वो बच्ची चली जाती है और घर वालों को भी बता के भी नहीं जाती है। जब चली गई तो बाद में मालूम होता है, उस बच्ची को समझ में आता है कि जो दुनिया हमें दिखाया गया था, जो संसार ऐसा है, यहाँ तो कुछ नहीं है। उसके साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हो जाता है, मारपीट होती है, सेक्सुअल हरासमेंट उसके साथ किया जाता है। तब वहाँ से निकलने का प्रयास करती है कि किस तरह से वहाँ से भागें। बहुत सारी बच्चियाँ तो रह जाती उधर हैं, इधर से बहुत सारी बच्चियाँ जाती हैं और रह गई। और कुछ बच्चियाँ जब उधर से हम लोगों को मालूम होता है, हमारी टीम को मालूम होता है, क्योंकि हम भारत सरकार के प्रोग्राम करते हैं चाइल्ड लाइन, जिसका होता है कि 1098 जब आप डायल करेंगे, कहीं से भी कोई संकटग्रस्त है तो विद इन आवर हमारा काम होता है कि उनको रिस्क्यू करें। यहाँ आने के बाद होता क्या है कि उसकी एक जो उसके साथ घटित हुआ है, एक तो समाज के लोक लाज के कारण कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन वो अंदर अंदर कुटती है, उसकी मनोवृत्ति मानसिकता उसकी बड़ा अजीब तरह की हो जाती है। बहुत खराब है, ऐसा किया है, मेरा जिंदगी तो नरक हो गया है। मेरा तो मतलब अब क्या बोले, ना हम दिखाने के लायक रह गए हैं, ना देखने के लायक रह गए हैं। हमको कहीं रास्ता चलेंगे, कोई हमको पसंद करने के लायक भी नहीं है। हम क्षेत्र में काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, बच्चों को लेकर के, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के, उनके राइट को लेकर के हम जो काम करते हैं, तो हमें लगता है कि इन बच्चों को समाज के मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है, अन्यथा कल के बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं जो सुसाइड कर जाते हैं, क्योंकि जब समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, परिवार से उनको नहीं मिलता प्रेम, मिलता सहानुभूति नहीं मिलती है, जाने अनजाने जो भी उनके साथ किया गया दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसका होता है कि भाई किस तरह से इनको लाएं। तो हम लोग, हमारी जो टीम है, काउंसिलर की टीम है, उनको बैठा करके उनको बताते हैं, समझाते हैं, समाज के बहुत सारे अच्छे बुरी चीज़ों को बताया था मिल करके, तब तो उनके परिवार की काउंसिलिंग करते हैं, परिवार की समस्याओं को समझते हैं।